मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चाइनीज चीजों से करे परहेज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? शानू काजमी। आज किस चीज का विरोध जाना चाहेंगे? जैसा कि कल चाइना ने अपनी चालाकी दिखाई है यहाँ पे हमारे भारतीय सेना से धोखेधड़ी से उन्होंने जो क्या करा है उसको लेकर हमारे देश के काफ़ी शहीद हुए, 20 शहीद हुए हैं जवान, तो उनकी याद में हम लोगों ने ये करा, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे सेना ने, सेना पे भी गर्व है हमें अपनी, हमारे देश की, भारत की सेना पर, जिन्होंने इसका जवाब पत्थर से दिया है। अब चाइना जान ले ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, जब उनने धोखे से वार किया था तब भी हमारी सेना ने जवाब दिया, लेकिन आज की डेट में हमारा भारत बहुत मजबूत भारत है, तो और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला भारत है, ईंट का जवाब पत्थर से देगा और इन लोगों को सब सही से सबक सिखाएगा। अब चाइना को वक्त आ गया सबक सिखाने का। ये चाइना जो है, अभी इनने कोरोना वायरस छोड़ा चाइना ने, उसको लेकर हम लोग खाने पीने की चीज़ों का भी परहेज कर रहे हैं कि ये चाइनीज चीज़ों से परहेज करे इंसान, इसी को लेकर हमने ये लिखा है, क्योंकि इनने कोरोना फैलाया, अब ये इनने दहशतगर्द कराई कल जो बॉर्डर पर ये किया इनने जो भी। अब मैं अपनी भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है चाइना को भी जवाब दिया जाए, क्योंकि ये बातचीत से मानने वाले लोग नहीं, अब इनको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर दे दें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।